पूरा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। उन्हें अफसर सेवन का कॉन्फ्रेंस लिया जिसमें मेजर वीरेंद्र साहब और कैप्टन अपने अनिल शर्मा साहब, तो आगे कंपनी कमांडरों भी चूज किया, कौन जीएसयू जाएगा, कौन जवान जाएगा, क्या क्या होना है, अपने अपने जैसे कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें सुभदा हरनाम साहब, सुभदा संसार साहब, और मेरा नाम तो नहीं था, एक नरेंद्र सिंह जी जा रहे थे, जब सीओ साहब के पास लिस्ट की जीएसयू के, कहने के लिए नहीं नहीं बाना साहब इसमें जरूर जाएंगे, तो हमें मैसेज हो गया कि आप भी उस मिशन के लिए तैयार हो जाइए। हमने बोला ठीक है। जब वहां पर पहुंचे, पूरी उस इलाके की हालत को देखते हुए पूरी ट्रेनिंग दिया गया, कुछ भाई वहां पर क्या मुसीबत आती है, जैसे कि ट्रेनिंग में है, अगर शुरू से रेफल या एलएमजी या कोई भी वेपन फायर ना करे तो उसका हमने कैसे तौर तरीके से कैसे करना है। कहते हैं कि ट्रेनिंग अच्छी है तो युद्ध में मजा ही तब आता है, अगर खून बहाना भी पड़े पर दूसरों को तो पता चले कुछ करके दिखाया है, तो वो सारा कुछ हो गया। अभी क्या हुआ, वहां जाना कैसे, कोई ट्रैक नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कैसे जाएंगे। तो उस समय दो ऑफिसर, तीन जीएसओ, 57 टोटल 62 को ले जाने के लिए 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया फ्रॉम कमार टू सोनमता। वहां पहुंच गए तो सीओ साहब के जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अफसर सेवन के साथ कि हमने जो अटैक करना है 30 जून को करना है, ठीक है। वहां पर जब कैंप सर्विस कर लिया तो रात को सुबह से दो जवानों की जाने चलेगी वहां, तो सुबह मर्मिंग सी होगी क्योंकि बड़ी सिस्टम था, तो कहने लगे यार उसका भी ऐसे होगा उसका है। तो नेचुरली बात होती है कि ये थोड़ा सा अफवाह फैल जाती है, तो जब सुबह सबको रिपोर्ट लगा कि ऐसे ऐसे दो जवानों की ऐसे जाने चले गई हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सबने कॉन्फ्रेंस लिया, जीएसओ को, अफसर को, एक हमारा कैप्टन राम प्रकाश साहब बैठे थे जो सोनम है, उनको भी बुलाया। तो हमने सबने एक सजेस्ट अपनी राय दी, मैं कहा सर बेटर क्यों नहीं, अगर 30 जून के बजाय पहले अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है। कहते बिल्कुल आप पर निर्भर है, करना तो आपने है। हम बोले ठीक है सर। तो एक प्लान किया कि हम सोनम से डायरेक्ट चढ़ेंगे, और ऐसे लगता था आधे या पौने घंटे में हम चढ़ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सोनम से हमने डायरेक्ट जब चढ़ना शुरू किया, सर आप मानोगे 8 बजे शुरू किया, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए, इतना स्नोफॉल, इतना क्रेबस, हालांकि हर चीज हमारे पास थी, इंस्ट्रूमेंट सब पूरे थे, फोल्डिंग लैडर थी, शॉवल थी, हर हम कैरी किया था साथ, मगर जो बर्फ है वो हमें कुछ करने नहीं दी जा रही है, और वहां पर क्रेबस बहुत ज्यादा है। जब ये सुबह 4 बजे तो शिव साहब को मैसेज कर दिया सर ऐसे ऐसे, तो फिर तो प्रसादे मिलने हैं, क्योंकि जब वापस वहां हमने फायरबेस बनाया था वहां पर पहुंचते हैं तो शिव साहब ने चौपर लिया और वहां पर पहुंच जाते हैं। तो राय साहब वैसे भी घर मिजाज के थे, गौर के थे, वो गाली गलौज भी ठीक करते थे वो, तो सबको इकट्ठा किया तो कहा कि अभी मैं नहीं कहूंगा यहाँ उन्हें कहा कि मैं ये जो 62 हैं, 800 जवान जेएसयू अफसर जवान पीछे खड़े हैं, मगर आप लोगों की मैं शक्लें नहीं देखना चाहता हूं, वापस नहीं आना है पलटन में, बहुत गुस्से से कहा और जापा लिया और चले गए। उसने सामने बुलाया, कहते बाना साहब ऐसे करो 29 मई को जो पेट्रोल गया था राजीव पांडे साहब का, वो रोप एक ट्रेसआउट करो, जिन लोगों ने जो सुन में हमारे एनसीओ थे गए, हम वहां पर दोबारा रस्सा बांधा, तैयारी करके आके रिपोर्ट दे दिया कि सर अभी हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, सबको पालन किया। कहते सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, कभी भी टेढ़ी जरूर करनी पड़ती है मौका आने पर, ये नहीं है कि हम टेढ़ी करते रहोगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा फिर। तो सबको फॉलो किया। मैं मेजर साहब ने कहा कि देखो 10 कदम में आगे चलूंगा, अगर किसी जेएसयू जवान ने पीठ दिखाने की कोशिश की पहला आदमी मांगा उसको शूट करूंगा, ये कहा है उन्होंने बिल्कुल समय। तो ओके, तीन पार्टियां बांट गई, एक में सुभदा हरनाम, सुभदा संसार और मेरी पार्टी, हमने क्लेम करना शुरू कर दिया। पर कुछ मैंने अपना अनुभव जो वहां लगाया है, वहां मुझे ओवरहैंग बनता था, सिर्फ पाकिस्तानियों क्या सोचा यहां पर आ ही नहीं सकता कोई, हमारी जो डेड बॉडी थी 1 महीने से पहले एज इट इज, वेपन अम्युनिशन एवरीथिंग उनके पास था, कोई उन्होंने उठाया नहीं कुछ नहीं, उन्होंने ये सोचा कोई आ ही नहीं सकता। मगर जो हमने क्लाइम करके वो ऊपर जाते थे, सिर्फ एक सफाई पाकिस्तानी होता, मैं बोलता डिवीजन के कोर नहीं चढ़ सकते, वहां पर एक डंडा 1500 मीटर स्ट्रेट पे गोली के माफ नीचे जाना। जो अफसर सेवन वहां गए हैं उन्होंने देखा होगा वहां पर के, अभी तो थोड़ा सा 25 साल हो गए, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है,
मगर उस समय क्या कि उनके दिमाग में ये आ गया, फिर क्या जी 3 फीस में हुआ, पहले सुब्दा हरनाम साहब की पार्टी गई। काफी मुसीबतें होती हैं, अगर किसी के घर में जाकर किसी को मारने जाना है तो दम भी चाहिए। फिर आगे भी वो भी तैयार हैं, मगर हम भी तैयार थे, मगर क्या है कि वो थोड़े कंफर्टेबल जगह पर थे, एम्ड करके फायर करते थे। और जितने भी लोगों की जाने गई हमारे अफसर की, क्या जेसू की, जवानों की, सीने में गोली है, किसी टांग में गोली नहीं लगी। ये मेरा वादा है, ये मैंने देखा अपनी आंखों से, बिल्कुल एम्ड करके फायर। ये नहीं गर्दन नीचे धक धक हो रहा है, ना ना ना, पहले तो अमनीशन की वहां पूर्ति करना मुश्किल है। मैं बोलता हूँ दो बंडोलियर जो इन्फेंट्री के साथ, वो भी जानते हैं, एयरफोर्स को भी जानते हैं, वो नीचे से ऊपर ले जाना दम वाला सिपाही में चाहिए, दो बंडोलियर सिर्फ, जबकि एक डिब्बे में 4 बंडोलियर होते हैं। मगर क्या उसमें सबसे पहले सेव किया है अमनीशन का। अगर अमनीशन है तो हम दुश्मन के साथ फाइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हरनाम साहब थे, सेकंड में संसार साहब, और थर्ड में हमारी बारी आई। जब तो जे भी कुछ, जब सेकंड स्टेज में सुधर संसार साहब गए, कुछ चेस्ट प्रॉब्लम होने के कारण, ये नहीं कोई कह सकता है कि आदमी बीमार नहीं हो सकता, हो सकता है, जो लोग वहां पर रहे हैं, अफसर साहब रहे हैं, जवान रहे हैं, ये सडनली भी हो सकता है वहां क्लाइमेट के साथ। लड़ाई तो दरकिनारे रही वहां पर, वहां मौसम के साथ ही लड़ाई करना तो मुश्किल है बहुत ज्यादा। कैसे हम सर्वाइव करना, कैसे जवानों के साथ हमने पिकअप करना, कैसे जवानों के साथ हमने टाई अप करके अपने इस मिशन को पूरा करना है। तो ये जो लास्ट 26 जून 1987 को जो हमें हुक्म दिया था सरकार ने, मेरी ने, वो हमने उसको पूरा किया और अपने भारतवर्ष का वहां झंडा लहरा दिया। जे हमने कोई बहादुरी नहीं की, सीनियरों की दी हुई एक हुक्म उसकी पालना की है, और देश के ऊपर उंगली उठाने की किसी को हिम्मत नहीं दी है। जय। Thank you. We would now like to present copies of the book to our guests of honor and our distinguished panel and request them to unveil the book. Thank you, sir. I would now request General Malik to address us, please. Ambassador Parthasarathy, Honorary Captain Bana Singh, Paramveer Chakra, Nitin Gokhale, General A.K. Singh, ladies and gentlemen, first of all, I must say it's a great pleasure for me to be here and enabled me to meet so many of my old colleagues. Before I start, I wish to salute every one of you who has served in Siachen Glacier. There are real stalwarts who are sitting here, starting from Colonel Narendra Kumar, and so many others. Let me say about the book. When Nitin asked me to write the foreword, I asked him, I said, I want to read the book before I can. I don't know what he's going to write. You know, TV journalists cannot be believed for everything. So he was good enough and sent me the soft copy. It took me 1.5 days to go through that. In fact, I can tell you that soft copy took me 1.5 days, but when the hard copy came a few days back, it took me just 1 day to go through, and it was a pleasure to go through again. As everyone has described to you, I think it's a very well researched anecdotal style which makes you read every word of it and makes you read continuously. And that is where I think the best aspect of this book, as he said, that there are many other books which have been written, 4 or 5 others, but this one, because of that anecdotal style,
and some of the people who have given their experiences in so many words, that is one which makes you feel that you are going through their experience. And the photographs again add to that. As he said, icing on the cake. And so it is a fascinating book, which the style is so different. And I think he's used all his experience and all his talent of being a TV journalist to bring out the best aspect of the book, the human stories about it. And human stories, it's not easy to write the feelings, human feelings, in a terrain like that, with the kind of confrontation that we've had. It's racy, it's interesting, it is informative. I mean, I can keep using any number of words for that. It's also well compiled, the way he starts off. In fact, one of the few books I find, you know, when we do research, there is a tendency to research more the present than the past. Many people generally may write one first chapter in detail, and the last chapter again is always in detail because you are going through that. But here is one story which is, I think, more of the past, the more difficult part of our experience in Siachen, than the present. So I quite appreciated the book when I read it. And toward the end, I saw that his last chapter, the last chapter is why we cannot give up Siachen. And I felt that that is where perhaps I can contribute a little. And you know, this question is being asked again and again and again, why can't we vacate Siachen? And as I written in that foreword, that it has become more and more complex now to leave that area. AK has mentioned it, everybody else has also mentioned it, but ever since the Chinese have started developing the northern areas, particularly the Shaksgam Valley, which is being overlooked by Siala, that has become more and more difficult. The other thing I always believe, and this is what, in fact, I have started my foreword with, what I have written in the foreword is, at the strategic level, one requires a long memory and a longer foresight and vision. Look at the development that has taken place in that area from the time we occupied it in 84. We have come far away. Could you imagine at that time that we would be able to lay pipelines for our kerosene to so many posts, etc.? Could you consider that those days that we will be able to have our these vehicles going about, ice carts and all that? Are the kind of clothing, are the kind of facility that we have been able to create? So one has to, when we are talking about this area, I feel that we should be looking at 20 years ahead, 30 years ahead. What will be the situation at that time? Would it still be the same kind of obstacle that it was or it is? I have no doubt that technological improvement, the kind of technological improvement that are taking place today, it will be a totally different story. Your biggest asset is its source of water. I know there are environmental problems. I'm quite aware of that. We also know the kind of we could sort out Siachen with Pakistan if it wasn't what they have been doing ever since they started in 83 or 82 or even earlier. And now with China coming in, it has become more complex. There was a stage when somebody asked me, a prime minister asked me, that why don't you people? So I was reluctant. I said that no. And I told him, I said, okay, I want certain conditions to be fulfilled before you ask the army to vacate, because tomorrow I don't want anybody pointing fingers at the army that you vacated it because of this. And the prime minister walked out.
I'm not going to, I mean, it happened soon after I took over. So I'm looking at it, that's what I've written in the foreword, 15, 20 years ahead. And I feel that if people can object to even an inch of territory being lost, you know, cannot be permitted, how will people look at it, look at us, if we were to lose this territory 20 years hence or 30 years hence? I said it's a very well compiled book. And now let me come to some of the personal involvement some people have mentioned. I've not served on that in that area, but of course one has been there many a times. It started off in 84. I was commanding a brigade in Jammu at that time.